तो गाइस हमारी तीनों दीदी आ चुकी हैं। आज़मत गाइस गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है रक्षाबंधन का दिन, कल था, कुछ लोगों ने कल मनाया, कुछ लोगों ने आज मनाया, हम आज मनाने वाले हैं। तो फिलहाल सुबह के बच्चों के 6:30 मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ, अभी मंदिर जाऊँगा, उसके बाद फिर थोड़े देर में हम राखी बांधेंगे फिर। और आज तो खाने में स्पेशल चीज़ें भी बनी हैं, दाल बाटी चूरमा, बाटी नहीं दाल चूरमा बना, दाल चूरमा मस्त होता है, तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइस हम तो फिलहाल रेडी हो चुके हैं, फिलहाल खाली मैं ही रेडी हुआ हूँ अभी तक, बाकी तो कोई रेडी हुआ नहीं, मुझे बाकी कोई सीरियस लग ही नहीं रहा। मैं लेकिन रेडी हो चुका हूँ, राखी बंधवाने के लिए रेडी हूँ। तो आज रक्षाबंधन के दिन स्पेशली हम बना रहे खीर, ये ड्राई फ्रूट्स जो हम अभी इस खीर में डालने वाले हैं, खीर के साथ जलेबी खाएंगे। क्योंकि खास करके साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन हम खीर जलेबी खाते हैं, वो है रक्षाबंधन का दिन। और कोई दिन पे खाते क्या? और कोई दिन नहीं खाते, इसलिए ये आज का दिन बहुत स्पेशल है। इंतजार मैं सबसे ज्यादा खीर जलेबी के लिए करता हूँ रक्षाबंधन का। मैं तुझे कितने रुपए चाहिए आज? 150 रुपये देगा। तो हमारी खीर भी देखो रेडी हो चुकी है, अब जलेबी लाएंगे और खीर जलेबी खाएंगे। तो गाइस मैंने पहले दूसरे कपड़े पहने थे, वो शर्ट पहना था वाइट कलर का, जो पहनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फील ही नहीं आ रहा था कुछ, क्या नए कपड़े पहने, तो इसलिए मैंने अभी एक टी शर्ट पहन लिया, अब बढ़िया लग रहा है। तो खाली मैं ही रेडी होके बैठा हूँ काफ़ी देर से, बाकी तो सारा खाना वगैरह बना रहे। अब जब खाना बनेगा, भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद जाके राखी बांधी जाएगी, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। और मैं तब से घूम ही रहा हूँ इधर उधर, ताकि मेरे कपड़ों में वो सल ना भर जाए। सल ना भरने को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, वो पीस ना हो जाए। क्रीस। कौन? क्रीस। क्रीस कहते हैं, क्रीस। वो तब से इसलिए मैं घूमना था कि मेरे कपड़ों में वो गुड़गुड़ाहट सी, वो टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, मतलब प्रेस रहे, अच्छे से रहे। तो गाइस यहाँ पे चुकू तक रेडी हो चुकी है, ममता दीदी का रेडी होना बाकी है सिर्फ। 2 घंटे हो चुके हैं रेडी होके, अब तक कोई राखी बांधने वाला रेडी नहीं है, अब तक रेडी हो रहे बाकी सारे। 2 घंटे से मैं ही रेडी होके बैठा हूँ, अब तक कोई आया नहीं राखी बांधने। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बस 3 घंटे हो चुके, अभी तक राखी बांधी नहीं गई मुझे, 4 बार मुँह धो के आ चुका हूँ मैं, 3 बार बाल बने हो चुका हूँ, अब की यार तो फेस वॉश से भी मुँह धो के आया हूँ, फिर भी अब तक राखी नहीं बांधी। ये भी नहीं लाया यार तू, तू तेरे में आपको याद आया इधर जलेबी डाल। तो गाइस मैं फिलहाल जलेबी लाने जा रहा हूँ, क्योंकि पप्पा तो जलेबी लाए नहीं। गाइस जलेबी ला चुका हूँ मैं, एक तो जलेबी वाले ने मुझे हैंडल बैग नहीं दिया, मैंने बोला हाँ वही हैंडल बैग, मैंने बोला हैंडल बैग नहीं है तो पता नहीं, घूर के देख रहा था मुझे, पर हैंडल बैग नहीं मिला मुझे, तो मुझे ऐसे ही लाना पड़ा। और 4 बार मुँह धोया हो तो काम ही ख़राब हो गया, रास्ते में इतनी धूल उड़ रही थी पूरे फेस पे आगे बढ़ गया, 5वीं बार मुँह धोना पड़ेगा। तो फिलहाल तो खा पी के और राखी बांधेंगे, फाइनली राखी बांधने का टाइम आ गया, 5वीं बार मुँह धोने पर राखी बांधने का टाइम आया। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था, आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। रक्षाबंधन वादा है, या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का, थोड़ा सा है चंदन
क्या बंधन वादा है या धागा है प्यार का, हो धागा है प्यार का, थोड़ा सा है चंदन छोटा सा है टीका, बंधन जिंदगी का रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का, हो धागा है प्यार का। सात रंग सच्चे सभी कब हुए हैं कच्चे, कभी देखने को नाजुक है पर टूटती ना डोरियां, चाहतों की झांकी मिले चिट्ठियों में राखी मिले, भूलती कभी ना बहने हो हजार दूरियां, रक्षा बंधन अलविदा करने का टाइम आ गया दीदियों को। अरे यार सुन, नहीं बताता मैं, हफ्ते बाद ही डालूंगा जब मेरे को छुट्टी मिलेगी। तो फिलहाल राखी वगैरह हम बांध चुके हैं, वो भी जा चुकी है, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं टीटाला मंदिर। तो चलो, रक्षाबंधन के दिन भाई आराम से सोए। तो यहाँ पर चप्पल उतार लेते हैं, फिर चलते हैं दर्शन करने। आज मंदिर काफी खाली खाली सा है। दर्शन हमारे फाइनली हो चुके हैं, आज तो मंदिर खाली था तो फटाफट दर्शन हो गए हमारे, 10 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। तो फिलहाल तो अभी नारियल तोड़ना है, हमें तोड़ते भाई। तो ये यहाँ पे टीटोला में घूमने के लिए आपको झील भी है, मतलब यहाँ पे बोट चलावा। आज तो फिलहाल मंदिर खाली है, इसके वजह से कोई है नहीं, एक आधी बोट ही चल रही है। तो हमारा काम तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आज मैं आधी ड्यूटी छोड़ के आया था, तो उसके वजह से मंदिर खाली था, तो दर्शन फटाफट हो गए। अभी फटाफट निकलेंगे घर की ओर, फिर अपने काम धंधे पर लग जाएंगे वापस। लेकिन मंदिर की फ़ोटो मैंने दिखा पाया आपको अंदर से, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लिखा था, तो उसके वजह से अंदर की फुटेज में नहीं दिखा पाया, अंदर का व्लॉग नहीं बना पाया। तो चलो चलते, फिलहाल जाने का टाइम है। तीन सदस्य आगे हम पीछे, ये रही अपनी बसंती, बसंती में बैठ के वापस घर की ओर चलेंगे। फाइनली घर पे पहुंच चुके, अभी अपना काम करेंगे, काम पे लगेंगे, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखेंगे।
हूँ।